माता पिता के गोदी में सिर रखें, सच्ची श्रद्धा सच्चे भाव से सच्चे प्रेम से फील करें, अनुभव करें। ये जो माँ की गोद है, ये जो पिता की गोद है, इस माँ ने जन्म दिया, इस पिता ने पाल पोस के बड़ा किया है। निस्वार्थ प्रेम बरसाने वाली माँ और पिता, ऐसे माता पिता को हम क्या दे सकते हैं? सब कुछ उनका है, सब कुछ उन्हीं से है। ये शरीर भी उनका दिया हुआ, ये संस्कार, ये शिक्षा, ये ज्ञान सब माता पिता गुरु और भगवान का दिया, अपना कुछ भी नहीं। और इसलिए हम माता के ऋण से, पिता के ऋण से, गुरु और भगवान के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। लेकिन इस तरीके से पूजन करके, माता पिता का आशीष लेकर के हम थोड़ा सा ऋण हो सकते हैं, शुभ आशीष भर सकते हैं। इसलिए इन पलों को और इन पलों के इन भाव को, एहसास को थोड़ा फील कीजिए कि हम कई बार जाने अनजाने अपनी माँ, अपने पिता, उनका दिल दुखाते हैं, और वो भी वो हमारे हित के लिए हमें समझाते हैं और उनकी बातें हमें उल्टी लगने लगती है। याद रखना, जिस शिष्य को और जिस बच्चे को अपने गुरु की बात और माता पिता की बात उल्टी लगने लगे, उसका दुर्भाग्य शुरू हो गया। रावण को देखो, उसको समझाते लेकिन उसको समझ में नहीं आती। अभी मिठाई मत खिलाओ, जो कहा जा रहा है वो करो, इतनी जल्दबाजी मत करो, गोदी में सिर रख लो भाव से। राम जी को देखो, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। जो माता पिता है वो भी आंख बंद करके अपने माता पिता को याद करो, चाहे वो हयात हो कि चाहे ना हो, वो जहां भी है तुम्हें दुआएं देंगे, तुम्हें आशीष देंगे। और ऐसे बापूजी, जिन बापूजी ने ये पवित्र प्रेम और पावन पर्व की सौगात हम सबको दी, जिस कारण से हम आज ये प्रेम और ये भाव को अनुभव कर पा रहे हैं,